हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अवैध बजरी से भरे 3 डंपर जब्त। जिले की खेड़ापा पुलिस ने अवैध बजरी से भरे 3 डंपर जब्त कर 3 खनन माफिया को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि जिले में अवैध खनन के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार रात को खेड़ापा थाना अधिकारी ओम प्रकाश कास्तनिया को अवैध खनन माफिया गिरोह के बारे में सूचना मिली। इस पर कार्यवाही कर बजरी भरे 3 डंपर जब्त किए। पुलिस ने रामनाम तिराहा और अनवाड़ा से आगे नाकाबंदी कर एक के बाद एक तीनों डंपर जब्त किए। इसमें एक डंपर बिना नंबरी है। पुलिस ने तीनों डंपर जब्त कर नागौर जिले में पाचौड़ी थाना अंतर्गत पताराम पुत्र असुराम विश्नोई और ओपीला राम पुत्र छैलाराम विश्नोई और ओसिया जोधपुर निवासी इमरान खान पुत्र अब्दुल रसीद को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक ने अवैध माफिया खनन के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने पर थानाधिकारी ओम प्रकाश सहित हेड कांस्टेबल मंगलाराम और भागीरथ और कांस्टेबल सुरेंद्र और हरेंद्र कुमार तथा चालक जब्बी पुरी को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गत कुछ दिनों से जिला जोधपुर ग्रामीण पुलिस द्वारा अवैध खनन माफिया गिरोह के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी के तहत जिले में अवैध खनन के तहत पुलिस थाना बिलाड़ा भोपालगढ़ खेड़ापा में पूर्व में कई कार्यवाही कर अवैध खनन सामग्री जेसीबी डंपर ट्रैक्टर सहित कई उपकरणों को पुलिस द्वारा जब्त किया जा चुका है और इससे जुड़े आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।